धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। प्रोफेसर वसीम रेलवी साहब का एक शेर है कि मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चराग नहीं हूं जो फिर जला लेगा। ध्यान दीजिए इस शेर के माने में, इसने अल्फाज उन्होंने यूज किया है चराग, और हमारे बीच में से आज एक ऐसा ही रोशन चराग बुझ गया है जिसे हम दोबारा रोशन नहीं कर पाएंगे। उनकी जो खदमात थी कौम मिल्लत के लिए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, तालीम के फील्ड में हो, या सामाजिक और मिल्ली फील्ड में रही हो, उन तमाम को रोशन करने वाला, 70 बरस तक अपनी कौम को खदमात देने वाली वो शख्सियत अब हमारे बीच में रही रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब की। उनका इंतकाल हो चुका है, उसी सारे पहलुओं से उनकी ज़िंदगी के जुड़े हुए उनसे कोशिश करेंगे आपके सामने रखने की। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर, जो खुद मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब के शागिर्द रहे हैं, वहीं से इन्होंने तालीम पाई है, आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे, बताएंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर पहलू से कोशिश करेंगे आपको अवगत कराने की, आपको रूबरू कराने की। तो डॉक्टर साहब, कहाँ से मौलाना सालिम साहब की शख्सियत पे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए जो भोंपू मीडिया है जी, वो तो व्यूवर ही नहीं मान रहा आपको, वो तो दर्शक ही नहीं मान रहा, हिंदी के अखबारों में एक लाइन भी नहीं है कि मौलाना सालिम कासमी साहब का इंतकाल हो गया। उर्दू के अखबार हैं, वो छाप रहे हैं क्योंकि वो जानते भी हैं कि इनको पढ़ेगा ही मुसलमान, तो वो तो अपना मान ही नहीं, मुसलमान को कोई मीडिया है नहीं, ये तो आप मानेंगे। 6 करोड़ गुजराती हैं देश के अंदर, उनके 6 न्यूज़ चैनल हैं, मुसलमान दम भरते हैं 20 करोड़ 25 करोड़ होने का, कोई उनका न्यूज़ चैनल तो है नहीं, हम ही लोग छोटी सी बात करके रखते हैं अपनी जितनी कोशिश है। लेकिन इतने आसान अल्फाज में बताया जाए कि एक आम आदमी जो उनकी शख्सियत से पूरी तरह वाकफियत नहीं है, देखिए जो लोग देवबंद में रहे हैं वो तो जानते होंगे, अब वहाँ पे तालीम पाए हैं, मैं उतना नहीं जान पाऊंगा, और हमारे दर्शक को भी आप उसी तरीके से समझ गए, थोड़ा सा ये बताएं कहाँ से आप उनकी शख्सियत पर पूरा रोशन डाल। देखिए सबसे पहले मैं उनकी शख्सियत, ख़ानदान और तालीम पर बात करेंगे जी, उसके बाद उनकी तालीमी खिदमत जी, और उसके बाद जो है उनकी मिल्ली दीनी दावती खिदमत का जिक्र करेंगे जी, जो उनकी पूरी 92 साल की ज़िंदगी पर मुहित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी यानी ख़ानदान पर जी। तो उनकी पैदाइश जो है जनवरी 1926 में जी देवबंद में हुई जी, और ये इनके जो वालिद थे दुनिया के बहुत बड़े आलिम और खतीब में शुमार होता था उनका, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद को ये मुकाम दिलाने में बड़ा उनके बताते हैं कि बड़ी अहम भूमिका उन्होंने की रही है। मौलाना कासिम साहब ने बुनियाद रखी और मौलाना कारी तैयब साहब ने वो एक पहचान जो दिलाई दारुल उलूम देवबंद को, उसमें उनका बड़ा रोल है। बता दो मौलाना कासिम नानोतवी जो है इनके परदादा थे, मौलाना सालिम कासिम। अच्छा, परदादा साहब, परदादा। तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद खान जी, और देवबंद में जो है मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी को कोई यानी कोई भी अहले इल्म जो है उनकी यानी खिदमत को और उनके खानदान की खिदमत को जो है फरामोश नहीं कर सकते जी, जी। जो उन्होंने संगे बुनियाद रखा दारुल उलूम के, वो आज भी और इस तरह इनके खानदान में और भी लोग हैं, जैसे मौलाना ममलूक अली जी, मौलाना याकूब नानोतवी हैं जो दारुल उलूम देवबंद के पहले उस्ताद हैं कयाम के बाद जो जी। तो इस तरह ये पूरा इल्मी खानवादा है और नानोता से इनका ताल्लुक है, इनके खानदान जो है वो नानोता से आता है जो सहारनपुर जिले में जी, 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 इसी नस्बत से मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी कहा जाता है जी जी, वो गाँव के नाम से, गाँव के नाम से कस्बा है, तो यहाँ वहाँ उनकी पैदाइश हुई। नहीं, इनकी पैदाइश तो देवबंद की है जी, आपने बताया अभी कि देवबंद की मौलाना की पैदाइश 1926 के बाद इनकी जो इब्तदाई तालीम है जी, वो खुद देवबंद में हुई, दारुल उलूम देवबंद में। इब्तदाई तालीम के बाद जो इनकी आला तालीम है वो भी जो है यानी फजीलत तक जो है दारुल उलूम देवबंद में हुई। 1948 में ये फारिग हुए जी, और उसके बाद इब्तदाई उस्ताद मुकर्रर हुए जी दारुल उलूम देवबंद में, तदरीज यानी तालीम और तरबियत का सिलसिला चलता रहा। और इसके बाद 1969 में ये बाकायदा जो है दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मुकर्रर।
और उसके बाद इन्होंने जो है यानी दर्स और तदरीस का सिलसिला दारुल देवबंद में चलता रहा, और ये सिलसिला जो है यानी उस जमाने तक भी चलता रहा, यानी 1982 तक, यानी जब दारुल देवबंद में इख्तलाफात नहीं हुए थे वहां तक चला, ठीक है। और उसके बाद 1982 में सत्साला इजलास होता है, बहुत आलमी पैमाने का इजलास हुआ, और उस इजलास के बाद जो है वहाँ की इंतजामिया में जो है कारी तैयब साहब के कुछ इख्तलाफात हुए, जिसके नतीजे में कारी तैयब साहब ने खुद को जो है अलग कर लिया उस दारुल देवबंद की, दारुल उलूम वक्फ की बुनियाद रखी, और दारुल उलूम वक्फ की बुनियाद जो है वो यानी उन्होंने रख दी थी, उन्होंने रख दी थी दारुल देवबंद की बुनियाद रख दी गई थी, लेकिन उनका बाकायदा आगाज जो है ये मौलाना सालिम कासिमी ने 1984 में देवबंद की जो जामे मस्जिद है वहां पे इसकी बुनियाद रखी, और आज दारुल उलूम वक्फ देवबंद के नाम, यानी कि दारुल उलूम की तरह और दारुल उलूम वक्फ की आज एक बहुत बड़ी बुनियाद रखी, बहुत बढ़िया। आज कंट्रोवर्सी वाले मुद्दे पे नहीं जाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं जैसे तालीमी खदमात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हर आदमी क्या एक स्पेशलाइजेशन होता है, जी जी, तो इनका क्या स्पेशलाइजेशन, इनका स्पेशलाइजेशन था, इनका हदीस में स्पेशलाइजेशन था, ये बाकायदा खुद हमें बुखारी शरीफ का दर्स दिया इन्होंने, ठीक है, मैंने खुद बुखारी शरीफ पढ़ी है, तो ये स्पेशलाइजेशन था। इसके अलावा इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो दावत और तबलीग के मैदान में है, उस पे बाद में जाएंगे, आपने जिक्र किया अपना, जी जी, आप कितने वक्त रहे इनके यहाँ पे और आपने कब इनके यहाँ से क्या तालीम ली? मैं बता देता हूँ, मैं दारुल, क्या इन्होंने भी तालीम दी आपको? जी जी, मैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद में मैं यानी 1991 से लेकर के 1994-95 तक मैं दारुल उलूम देवबंद में रहा हूँ, और मैंने यानी 4 साल तक बाकायदा वहाँ तालीम हासिल की, और मुझे मौलाना सालिम कासिमी साहब ने बुखारी शरीफ का, मतलब आपको वो, मैं कहूँ कि आपको वो खुशकिस्मत हैं आप इंसान, जी जी, मैं जी जी, आसिम साहब ने जिन्होंने आपने तालीम ली है। और मैं एक चीज एक जिक्र और करता हूँ, मौलाना सालिम साहब उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जी जो हजरत थानवी से तलमुज करने वालों में उनका शुमार होता है, बल्कि आप तो आखिरी चश्मे शागिर्दी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो आखिरी शागिर्द थे, ये ठीक है, वो उनके शागिर्द हुए, आप उनके शागिर्द हुए, कोई खास बात, उनका अंदाज, बात करने का तरीका, मतलब वो बिल्कुल एक आदमी कूल होता है, एक आदमी चिल्लाता है, आपने देखा होगा, वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, दुनिया के 36 ममालिक के वो सफर कर, मतलब दावत और तबलीग का उनका सिलसिला फैला हुआ था, उनके क्या कहते हैं पीरी मुरीदी का भी सिलसिला जो है दुनिया में फैला हुआ, नहीं वो ठीक है, उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद उनकी जो शख्सियत थी बहुत सादा, खामोश बिल्कुल रहना, खामोश एकदम खामोश रहते थे, अगर आप सवाल करेंगे, उनकी मजलिस होती थी उसका मैं बाकायदा यानी ये समझिए कि मैं शरीक होने वालों में, उसका कोई टाइम था? हाँ टाइम था, असर के बाद से मगरिब तक उनकी रिहाइशगाह पे जो है बाकायदा मजलिस होती थी, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और जो तलबा ऐसे होते थे जिनको दिलचस्पी होती थी वो वहाँ शरीक रेगुलर आते थे, रेगुलर आते थे, वहाँ भी जाते थे, जी मैं भी शरीक होता था। क्या उसमें होता था मजलिस में? उसमें ये है कि उसमें ये होता था कि जैसे असातिज़ा हैं, तलबा हैं, आपके जहन में कोई सवाल है, अच्छा, तदरीस के ताल्लुक से, मतलब के हम क्लासेस के, क्लासेस के बाहर भी, बाहर भी वो एक क्लासेस, क्लासेस जो है कि कुछ लोगों के ज़हन में चीजें हो वो मजलिस हुआ करती थी, वो मजलिस सिर्फ इसीलिए होती थी कि आप आए वहां से, अगर आपके ज़हन में कोई इश्काल है, मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस वक्त उनसे पूछ सकते, तो ये उनकी पूरी शख्सियत थी जो उन्होंने पूरा का पूरा तालीम के मामले में काम किया। इसके अलावा अगर हम अलग फील्ड्स में देखें उनको, जैसे हम बात करें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो उपाध्यक्ष थे, मौलाना राबे हसन साहब के साथ बताते हैं उन्हीं के, मतलब वो एक तरीके के क्लास फेलो रहे हैं, मतलब ये क्या है पूरा वो मामला? हाँ वो बता देता हूँ, ये असल में ये उनकी खिदमत में है, मिल्ली खिदमत इसे कहेंगे जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो नायब सदर रहे, ठीक है, ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत जी आपने नाम सुना होगा, उसके वो सदर रहे जी, और दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ जी, मजाहिर उलूम वक्फ सहारनपुर,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है, इसके वो रुकन रहे, इस्लामिक फिका एकेडमी जो फिकही मामलात में हिंदुस्तान का एक यानी कहिए कि जाना माना इदारा है, इदारा है इसको जो है मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब का है, उसके वो सरपरस्त थे तो इस तरह जो है इनकी मिल्ली खिदमात का दायरा जो है बहुत मोहित है। कुछ लिखा ऐसा जो अलग से मौलाना की जिंदगी को पेश करता हो, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखी हो मौलाना की जिंदगी की जो दावत और तबलीग के उन्होंने असफार किए दुनिया भर में जो है और दुनिया भर में जो खिताबात किए उसको एक जगह जमा कर दिया गया है जी। और उसका मजमुआ बाकायदा छप चुका है, कई जिल्दों में छप चुका है, काफी जख्मी में। क्या नाम है उस मजमुए का? नाम है खुतबात खतीबुल इस्लाम। खुतबात खतीबुल इस्लाम के नाम से उनका जो असल में ये जो खतीबुल इस्लाम उनका लकब था। अच्छा। लोगों ने उनको बाकायदा खतीबुल इस्लाम सालिम कासमी साहब को खतीबुल इस्लाम का खिताब दिया गया था। ठीक है। जैसे उनके वालिद को हकीमुल इस्लाम का हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब को। ठीक है। तो ये चीज हुई इनकी लिखने की। बता दे कलाम पाक भी कई जबानों में लिखा? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं ऐसा है ना, कलाम पाक की जो तफसीर है यानी तफसीर की तफसीर, तफसीर की तफसीरें लिखी, तफसीर की तफसीरें मतलब ये है कि ठीक है जैसे उनके जहर में कुछ कुछ मतलब कुछ नए गोशे आए। मौलाना मौदूदी साहब ने कोई किताब लिखी थी। हाँ मौलाना मौदूदी साहब ने जवाब इन्होंने दिया, वो बड़ी चर्चाओं में रही लोगों की। हाँ मौलाना मौदूदी साहब की जो है एक किताब थी मेराज के नाम से जो है, ठीक है, तो उसका जवाब उन्होंने जो है हकीकत है मेराज के नाम, मेराज की रात का जो उन्होंने जवाब दिया, उसमें कुछ जो है कुछ अहले इल्म को इख्तलाफात थे तो उसका जवाब उनकी तिश्नगी के लिए जो है उनकी एक किताब जो बहुत काफी पुरानी है, अभी एक इदारे ने मुझसे जो है मतलब मांगी थी कि मैं छापना चाहता हूँ कारी तैयब साहब की। चलिए खैर अच्छी बात है। तो ये हुई इनकी जो इनकी किताबों के कुछ नाम अगर आप बता पाते हमारे इनकी जो कि जो बड़ी किताबें इन्होंने लिखी। हाँ, इनके जैसे किताबों का तो आपने जिक्र किया। जी जी ऐसा है ना, इनके जो किताब है असल में इनके जो जो मवाइज है ठीक है असल वो है क्योंकि ये खिताबत के मैदान में ज्यादा वो तो हो गया वो तो पूरा हो गया। उसके अलावा जो इनकी किताब एक तो ये हकीकत मेराज हो गई, एक किताब और भी है मर्दाने गाजी है, आलमी पैगाम है ठीक है, और बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक भी इन्होंने मतलब आपकी हर चीज में पकड़ थी, औरतों की तालीम का मामला हो, बच्चों की तालीम का मामला हो, बड़ों की तालीम का। मैं एक चीज और जिक्र करना चाहता हूँ खिदमात में जो है इनकी खिदमात का एक अहम जुज जो है जामिया दीनियात उर्दू देवबंद है। अच्छा वो क्या है जी? जामिया दीनियात उर्दू देवबंद जो है ये एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा उसको क्या कहेंगे correspondence distance education दूरस्थ शिक्षा। जी जी ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी है। दुनिया का कोई भी तालिबे इल्म जो है जो दीन हासिल दीनी तालीम हासिल डॉक्टरी कर रहे हो इंजीनियरिंग कर रहे हो वक्त नहीं है करना चाहते या हम ही लोग हैं दूर बैठे हैं दीनी तालीम डिस्टेंस एजुकेशन तो ये इनका शाहकार हुआ। ये इनका शाहकार है और यहाँ पे आपको जो है बाकायदा इब्तदाई दीनियात ठीक है आलिम दीनियात फाजिले दीनियात के नाम से बाकायदा कोर्स है कुछ जो यूनिवर्सिटियों से जो हमारी सेंटर कई यूनिवर्सिटियां हैं हिंदुस्तान में उससे मंजूर शुदा है। मंजूर शुदा है यानी कि अगर आप वहां से कोर्सेज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। ठीक है चलिए ये हुआ। तो और क्या है इनके शाहकार में अगर हम लोग देखें और बताते हैं कुछ कारी तैयब साहब की कुछ चीजें छापी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से। इन्होंने जो है एक इदारा इन्होंने कायम किया पब्लिक पब्लिशिंग हाउस उसका नाम है दारुल मारिफ। दारुल मारिफ ठीक है उसके नाम से उससे वहां उन्होंने जो है एक तो कारी तैयब साहब की और भी किताबें जो है बहुत सारी किताबें छाए मतलब शाया की हैं वहां से। और इनका सबसे बड़ा शाहकार जो है एक तो वो वक्फ दारुल उलूम देवबंद है जिससे आज तक हजारों दुनिया में और बगैर किसी कंट्रोवर्सी के दुनिया में हजारों शागिर्द फैले हुए हैं। जी 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 ठीक है। गया हुआ कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ जो है आपको दारुल उलूम देवबंद का तालिबे इल्म नहीं मिलेगा। गया था एक ही बार जा पाया हूँ मैं देवबंद लेकिन मैंने जब दारुल उलूम देखा तो मैंने कहा मैं दारुल उलूम वक्फ भी जाऊंगा। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग वहाँ बनी है नए तरीके से बड़ा अच्छा। देखिए हम लोग बातों बातों में जो है तो कुछ रह जाता है। हमें जिक्र करना था कि इनके जो
जो है इनके कितने साहबजादे हैं, साहबजादियां हैं, उस पे जो इनके खानदान वाले मसले पे मैं जानना चाह रहा हूँ। फिलहाल इनका एजाज जो है बताते हैं पूरी दुनिया में जी, क्या एजाजात उनको मिले हैं, क्या अवार्ड्स मिले हैं, उस पे अगर हम थोड़ी रोशनी डाल पाए तो जी। मैं बताता हूँ इनको जो है शाह वलीउल्लाह अवार्ड मिल चुका है जी। ठीक है, शाह वलीउल्लाह अवार्ड आप नाम से आप समझ सकते हैं जी 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 जी। ठीक है, इसके अलावा जो है इंटरनेशनल कासिम नानोतवी अवार्ड, ठीक है ठीक है, जो पूरी दुनिया के दारुल उलूम देवबंद के फौजला ने जब उसका मैं इंतखाब किया कि भाई किसको दिया जाए ये अवार्ड, तो वो शख्सियत मौलाना मोहम्मद कासिम सालिम नानोतवी साहब थे। इसके अलावा इनको मिस्र की गवर्नमेंट ने जो है जो जामिया अज़हर है वहां पे बाकायदा इनको निशाने इम्तियाज का अवार्ड दिया है। निशाने इम्तियाज तो वो भी पूरी दुनिया का बैनुल अक़वामी अवार्ड जामिया अज़हर में दिया गया जा रहा है। इसके अलावा और इसके अलावा जो है आप देखें इनकी जो खुद मतलब इनकी एक साहबजादी है उज़्मा नाहिद साहिबा, नाम सुना होगा, उटीब है, हाँ बड़ा बड़ा नाम आता रहता है, अरे नाम ही नहीं है हाँ। वो बहुत बड़ी शख्सियत है जी जी जी। आप ये समझिए कि मतलब ख्वातीन में अगर देखें हम लोग आमतौर पर हमारे मौलवियों पर इल्जाम लगाया जाता है ये लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, औरतों के वाले नहीं बच्चों की नहीं औरतों को घर में कैद रखते हैं। तो हमारी उज़्मा नाहिद खातून एक मिसाल है, मौलाना सालिम साहब की साहबजादी उज़्मा नाहिद साहिबा हैं। अगर आप इनको सुन लेंगे, आप अगर इनको देख लेंगे, इनके जो आप औरतों के मुताबिक जो भी सुनना चाहते हैं तो आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। अब चीजें आपने जब परिवार का जिक्र किया तो इनके कौन साहबजादे हैं फिलहाल अभी दारुल उलूम वक्फ के मुहतमिन किसको बनने जाएगा, क्या बनाया जाएगा? इनके सबसे बड़े साहबजादे जो है वो मौलाना मोहम्मद सलमान कासमी साहब है, ये पाकिस्तान में मुकीम है। अच्छा, इत्तेफाक से जो है बताया जाता है कि 2 महीने से कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ की जो वजारत खारजा है, कितनी दुख की बात है कि वजारत खारजा जो यानी कि विदेश मंत्रालय जो है वो वीजा दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाया, जबकि पिछले कई दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि मौलाना की तबीयत ज्यादा खराब है तो उनके साहबजादे अपने वालिद को देखने आना चाह रहे हैं लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जा रहा था। जो भी चीजें हैं ये सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये बड़े साहबजादे उनके पाकिस्तान में। इसके अलावा उसके बाद मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी है जो इस वक्त वक्फ दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिन, ठीक है। उसके अलावा एक है डॉक्टर मोहम्मद अदनान कासमी साहब, ठीक है ये देवबंद में ही है और एक साहबजादे हैं इनके हाफिज मोहम्मद आसिम कासमी, ये देवबंद में है। और इसके अलावा इनकी 2 साहबजादियां हैं जिनमें जो है बड़ी साहबजादी का नाम असमा एजाज, ठीक है, और दूसरी साहबजादी जो है उस्मान नाहिद साहब, तो शख्सियत हैं पूरी वहाँ पे। तो ये पूरी जिंदगी अगर थोड़ा सा हम खाका खींचे क्योंकि वक्त की भी कमी होती है, दावत इस्लाह की बात तो बताया कि पहले आप बता चुके हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, ठीक है, और यानी तज़किया और तसव्वुफ का सिलसिला जो है हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी से था जिसे वो बायत थे, लेकिन इजाजत और खिलाफत का जो सिलसिला है वो खुद अपने वालिद हजरत कारी तैयब साहब के इनसे मिली थी इनको और वो सिलसिला आज भी अभी तक जारी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, कोई चीज़ में कुछ गलत हुआ हो माजरत तलब है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम कोई भोंपू मीडिया नहीं है, हमके बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि हम अपने सीमित संसाधन से बहुत छोटी सी कोशिश से आपके सामने कुछ रखने की कोशिश करते हैं। खुदा से दुआ है कि मौलाना को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और जो चिराग बुझ गया है ऐसा ही कोई एक चिराग फिर से इस कौम मिलत के लिए कहीं रोशन करे, उन्हीं की तरह जो इस कौम की खिदमत को अंजाम दे सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे किसी मुद्दे के साथ जिसे भोंपू मीडिया आपसे छिपाने की ना दिखाने की कसम खा चुका है, उसे लेकर हम आपके बीच आएंगे। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।